अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रफीउद्दीन, एसआरके न्यूज चैनल की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज के अहम तफसीलात। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एसआरके न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। एसके इंटरप्राइजेज मेरी आवाज़ सुनो वेलफेयर एंड कल्चर सोसाइटी की जानिब से खैरताबाद लकड़ी के पुल के करीब वाक़े सेंसेशन इंसोमनिया सिनेमा हॉल में सिंगिंग प्रोग्राम मुनाकिद हुआ था, जिसमें तौफीक, रीना जी और दीगर ने हिस्सा लेते हुए अपनी आवाज़ और सुरों से सबका दिल जीत लिया और मिसिस नूरी मारिया ने इस शानदार सिंगिंग प्रोग्राम की होस्टिंग की। इस मौके पर डायरेक्टर जनाब रजाक के अलावा दीगर मारूफ शख्सियत भी मौजूद थी। आइए देखते हैं एसआरके न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए एसआरके न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। सबसे पहले मैं हमारे टीवी एन 99 और एचएन न्यूज़ और हमारे एसआरके न्यूज़ और रहमत साहब का सभी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आए और पूरा प्रोग्राम होने तक रात के 2:45 बज रहे हैं, बैठे रहे। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया। मैं ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि संग हमारे बनो सितारे ये हैदराबाद का पहला फिल्मी ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जिसमें हम एड इवेंट्स और इंटरटेनमेंट्स का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। 19वां शो था संग हमारे बनो सितारे का। पहले 4-5 शो मेरे भाई रजाक भाई और भाभी के साथ में प्रेजेंट किया है और ये भी शो मैंने और रजाक भाई ने और हमारी जो भाभी जान है अरिबा मैडम, हम लोगों ने मिलकर प्रेजेंट किया है। इसमें हमारे जो वेल विशर थे, मेरे जो गॉडफादर थे अली जनाब सिराज अहमद साहब थे, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम को करने का मौका दिया और हमारी हिम्मत को बढ़ाया, तभी जाके हम दोनों भाई इस प्रोग्राम को करने में कामयाब हुए। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम पेश करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें, उनको कदम बा कदम अपने साथ आगे बढ़ाते रहें और उनको इम्प्रूव करें। मतलब इम्प्रूव करें मतलब सिंगर्स तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन अपकमिंग जो सिंगर्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट्स करना हमारा काम है। काफी बड़े बड़े सिंगर जैसे हमारे स्टेज पे आज बहुत सारे स्टेज पे लोगों ने गाया, जैसे मोइन खान साहब है और इनायत अली साहब है और नुसरत ने गाया, नूर मारिया ने गाया, हमारे दावर खान साहब ने एंकरिंग की, सिंगिंग भी की माशाल्लाह। हमारे जो सिंगर नाम है तौफीक भाई साहब जो कि डेंटिस्ट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं दांत के, लेकिन इतनी प्यारी आवाज है उनकी भी, इतने प्यारे सिंगर हैं, उन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सिंगिंग की, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी सिंगर्स मतलब सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले कल में भी हम ऐसे प्रोग्राम देते रहेंगे। और मैं स्पेशली आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमारी भाभी जान अरिबा मैडम क्यों नहीं आई, तो उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा वो मुझसे खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल जाके मैं घर पे उनको बना लूंगा, उनकी नाराजगी दूर कर लूंगा। सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि एक डायरेक्टर को मैनेज करना पड़ता है, वो एक डायरेक्टर ही समझ सकता है उसकी मजबूरी। मेरा भाई तो मेरी मजबूरी को समझकर उन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई का और भाभी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम। तो आप तीनों चैनल वालों को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।